नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। पूरे देश में आज धूमधाम से गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है और गणेश चतुर्थी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाते हुए गणेश उत्सव मनाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि गणपति बप्पा मौर्य गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि COVID-19 के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए और सभी को सुख और शांति प्रदान करें। आइए हम सब कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए त्यौहार मनाएं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। गणपति बप्पा मौर्य। बता दें कि देश भर में आज से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसे में भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति मौर्य की पूजा धूमधाम से की जा रही है और गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो चतुर्थी को शुरू होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाता है। हालांकि कोरोना संकट के चलते इस साल गणेश उत्सव अलग रूप में मनाया जाएगा। तो बता दें, आज गणेश चतुर्थी जो है वो देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में, तमाम जगह पर, देश के हर कोने कोने में आज जो है गणपति को लोग अपने घर पर लेके आ रहे हैं और गणपति को विराजमान अपने घर पर कर रहे हैं। बता दें, 10 दिन तक ये जो है गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो रहा है, 10 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और ऐसे में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने लोगों को जो है वो शुभकामनाएं गणेश उत्सव की दी हैं। आफत बनी बारिश। जी हां, उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से लोग काफी परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। निज मुला घाटी के काले गदेरे पर नाले उफान पर आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों का मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र गडिया और ईरानी ग्राम प्रधान मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार सुबह से हो रही बारिश से काले गदेरे के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसकी सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम को दे दी गई है। इसके अलावा भी कई जिलों ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की बात कर ले तो वहां भी मूसलाधार बारिश से कई मार्ग अवरुद्ध हैं और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को लेकर अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चमोली से और रुद्रप्रयाग से, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आवाजाही उन रास्तों पर पूरी तरह से रोक दी गई है, जिससे लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है ये तस्वीरों के जरिए ही आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में लगातार जो है कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी बता दें कि मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जो बारिश है आने वाले 11 सितंबर तक बारिश ज़्यादा पड़ेगी। वहीं रुद्रप्रयाग में भी मूसलाधार बारिश से कई रास्ते जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हैं और इसी के साथ मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को लेकर अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो ऐसे में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में जो है वो जनजीवन कई जगहों पर अस्त व्यस्त हो गया है, कई रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, कई जो सड़कें हैं, हाईवेज हैं, वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रास्तों पर मलबा आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से रास्तों को बंद करना पड़ा है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से बारिश का कहर जो है वो देखा जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से रास्ते बंद हैं? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात की जाए तो अगले दो दिन प्रदेश में जो मौसम है वो फिर एक बार बदल सकता है और उसके साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ जो बरसात है वो बहुत अधिक हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए दिशा निर्देश आपदा विभाग द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अगर मार्गों की बात की जाए तो चमोली जनपद के कई महत्वपूर्ण जो मार्ग हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे की बात कर ली जाए जिसमें कि जोशीमठ के पास लामबगड़ के पास जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है लैंडस्लाइड के चलते, और क्योंकि कल देर रात से जिस तरीके से बारिश लगातार जारी थी उसके बाद कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें थी वो भी बंद हो चुकी है। इसके साथ ही अगर रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए तो रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड के चलते जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया है, हालांकि बीआरओ की टीम लगातार उसे खोलने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, दूर दराज की पर्वतीय जो जगहें आती हैं राजधानी देहरादून में उनकी बात कर ली जाए तो कई मार्ग जो कि ग्रामीण यानी कि गाँव को जोड़ती थी राजधानी देहरादून से वो भी अवरुद्ध हो गई है और लगातार जो जिला प्रशासन और आपदा की टीमें हैं उन्हें खोलने की प्रयास कर रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है अगले दो दिन के लिए उसको देखते हुए, यानी कि सुभाष अगले दो दिनों तक और लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सुभाष देखिए, जो रास्ते बंद है तो क्या ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि लोग भी फंसे हुए हैं कहीं पर? जी बिल्कुल, अभी कोई लोग फंसने की सूचना आपदा विभाग की टीम के पास नहीं पहुंची है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब मार्ग बंद हो जाते हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, आवाजाही बंद हो जाती है, तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से लोग दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की जरूरत है व्यवस्था कराने की कि उन लोगों तक जो भोजन की व्यवस्था है, सब्जियों की व्यवस्था है या फिर मूलभूत सुविधाएं जो भी उन स्थानीय लोगों को चाहिए वो मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन के पास है। और इसके साथ ही आपदा विभाग की जो टीमें हैं वो भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में इस तरीके की घटना बरसात के दिनों में अनुमम देखी जाती है। और क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और जाती हुई बरसात हमेशा यानी कि हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करती हुई जाती है, और यही कारण है कि अब बरसात जाने का समय है। ऐसे में लगातार बारिश के चलते कहीं मार्ग बंद हैं, कहीं भूस्खलन की जैसी स्थिति बन रही है, और ऐसे में प्रशासन जरूर अलर्ट है, आपदा विभाग की टीमें अलर्ट है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है कि वो भी मुस्तैदी से इस समय काम करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए जहां जहां पर रास्ते जो हैं बंद हैं और ऐसे में भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं पर मलबा आ रहा है ऊपर से, तो ऐसे में जो राहत सामग्री है, राहत लोगों को किस तरह से पहुंचाई जा रही है? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है कि वहां पर जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, तो वहां के लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी इस तरीके की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, लेकिन चमोली जनपद में जिस तरीके से भूस्खलन हुआ, लेकिन कोशिश प्रशासन की ये की जाती है कि यदि सुबह भूस्खलन होता है तो देर शाम तक पूरे मलबे को हटा दिया जाए और जो सड़क है फिर से सुचारू रूप से कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो सुविधाएं चाहिए या फिर कहा जाए शिक्षा के लिए जो सुविधाएं चाहिए, स्कूल के लिए जो बच्चे जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, तो ऐसे में दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन प्रशासन जल्द से जल्द उन मार्गों को खोलने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि कम से कम स्थानीय लोग पैदल चल के उस रास्ते को पार कर सके। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए तो अगर स्वास्थ्य इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो आपदा विभाग के जो दो हेलीकॉप्टर प्रदेश में रखे गए हैं, जो कि गढ़वाल मंडल के लिए रखा गया और दूसरा कुमाऊं मंडल के लिए रखा गया, दोनों ही हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और किसी तरीके की आम जनमानस को परेशानी ना हो इसका खास ध्यान प्रदेश सरकार द्वारा रखा जाता है। जी जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। बारिश ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, लोगों के सामने परेशानी खड़ी करती हैं। ऐसे में लगातार कई जिलों में बारिश होने की वजह से जो है रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश और हो सकती है।
मासूमों पर बुखार का कहर। जी हां, फिरोजाबाद में ऐसे में बुखार का कहर अभी भी जारी है और ऐसे में फिरोजाबाद स्थित शौसया अस्पताल में हर दिन 100 से 150 बच्चे बुखार से पीड़ित भर्ती के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दर्जनों तीमारदार अपने बच्चों को लेकर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बाहर बैठे हैं। बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, डॉक्टरों की तरफ से उनको दवाई दे दी गई है लेकिन बच्चों का बुखार नहीं उतर रहा है और बच्चों के माता पिता उस वक्त के इंतजार बैठे हैं कि कब कोई अस्पताल से आए या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे और उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं वायरल फीवर की वजह से अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर जो है 55 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि 2 बच्चों की और मौत होने से यह आंकड़ा 57 पर पहुंच चुका है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी और जिला अधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बावजूद इसके बच्चों के माता पिता जो है बच्चों के मौत का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लोगों की माने तो उनके बीमार बच्चों को जबरन अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है जबकि बच्चे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको छुट्टी दे दी गई है और अगले ही दिन उनको गंभीर अवस्था में दोबारा से अस्पताल में लाया जा रहा है, जिनको दोबारा से भर्ती किया गया। वहीं प्रशासन ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए अस्पताल के अंदर कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसे में फिरोजाबाद में लगातार जो है इस वायरल बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है। सो सही है कि जहां तक बात है उसमें 550 बेड हैं और कल तक 400 पेशेंट भर्ती थे। ये मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, इसमें प्रिंसिपल जो है उनका कंट्रोल होता है, हम उनको सहयोग करते हैं और लगभग 100 से लेके 170 पेशेंट पर डे भर्ती बच्चे हो रहे हैं और उतने ही बच्चे डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। अभी तक अगर आप की बात करें फीवर से संबंधित तो 55 अभी फिरोजाबाद में डेथ हुई है, जिसका हम ऑडिट लगातार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेथ के कारण क्या है। देखिए आपने देखो गए जाके और हम भी कल भी गए थे और कमिश्नर साहब भी गए, डीएम साहब भी लगातार जा रहे हैं। कुछ पैनिक क्रिएट हो जाता है और पैनिक का मतलब है कि अगर जिसको जरूरत है वास्तव में उसको भर्ती करना चाहिए। अगर मान लिया किसी की प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर है और वो कहता है कि मुझे भर्ती करो, तो इसका थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि अगर हमारे पास 150 बच्चे रोज आ रहे हैं, भर्ती आ रहे हैं, तो पहले हम उससे प्रायोरिटी दी जाए जो वास्तव में जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जो गैर जरूरी भर्ती हो जाएंगे, जो जरूरी है वो भर्ती नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रायोरिटी से देखा जाता है कि किसको जरूरी है, वो टीम वहां बैठी है, जैसे उसका देखती है कि इसको भर्ती लायक है उसको भर्ती कर लेते हैं। चलिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर अभी हालात कैसे हैं, मौत का आंकड़ा कितना हो चुका है और क्या कुछ अपडेट है? पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कि वहां पर हालात अभी पूरी तरह से अच्छे नहीं है और अस्पताल के बाहर मैं जानता हूँ करीब करीब 50 से ऊपर लोग हर तीमारदार बैठे रहते हैं और बच्चों को बीमार लेके बच्चे जमीन पर लेटे रहते हैं, उनके पानी की पट्टियां रखते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अगर उनकी बात माने तो उनको भर्ती नहीं किया जा रहा बच्चों को। और बच्चों को असल में कुछ तीमारदारों का कहना था कि बच्चों को जबरन छुट्टी दे दी जाती है और या तो शाम को ही बच्चे वापस आ जाते हैं गंभीर अवस्था में या अगले दिन वापस आ जाते हैं, लेकिन जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए हैं। भले ही इसमें प्रशासन अपने दावा कर रहा है कि कंट्रोल में कर लिया गया है वायरल फीवर को, लेकिन वायरल फीवर अभी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन किशन देखिए जिस तरह से जानकारी ये मिल रही है कि बाहर भी अस्पतालों के जो बच्चे हैं वो हैं, उनके माँ बाप बच्चों को लेकर अस्पतालों के बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो है वो नहीं शायद समय पर पहुंच रहे और अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहा है, तो क्यों कोई एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था नहीं की जा रही, क्यों कोई और सुविधा उन लोगों को ही दी जा रही, क्यों ऐसे मजबूर हैं ये माँ बाप अपने बच्चों को अस्पताल के बाहर लेकर बैठने के लिए? ये पारुल, मैं बताना चाहूंगा कल इस संबंध में सीएमओ से बात की थी। सीएमओ का कहना है कि 500 से ऊपर जो है बेड की व्यवस्था की गई है जी, लेकिन वहीं अगर प्रिंसिपल की माने तो वो 409 बच्चे जो है इस समय मौजूद है। बावजूद इसके जो वहाँ बच्चे हैं वो बाहर अपनी बारी के इंतजार में लेटे हुए हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनको भर्ती किया जाएगा और उनको एक टैबलेट दी जाती है कि आप जाइए आपका बच्चा ठीक हो जाएगा।
लेकिन लेकिन किशन देखिए, ये तो कह दिया जाता है आप जाइए, और जिस तरह से आपने बताया कि छुट्टी जो है वो दे दी जाती है, लेकिन शाम तक ही वो बच्चा वापस से अस्पताल पहुंच जाता है। तो फिर क्यों देखिए, जब दिख रहा है कि बच्चे इस तरह से इतने ज्यादा बीमार हैं, क्यों उनका सही ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा, और क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई गंभीर बीमारी होती है, जब भी कोई ज्यादा संख्या में लोग बीमार होते हैं, तब जो व्यवस्था है वो इस तरह से ही चरमराती हुई नजर आती है। ये मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से लापरवाही से काम कर रहा है, और इस संबंध में अगर मीडिया कर्मी भी वहां जा रहे हैं, मीडिया कर्मियों के अंदर जाने के लिए रोक लगा दी गई है, और अगर इसका ये साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को अगर रोका गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए प्रयास कर रहा है जी। और जबकि सीएमओ का कहना है अगर 500 से ऊपर अगर अधिक बेड लगाए गए हैं, तो 409 बच्चे अगर अस्पताल में भर्ती है, तो इसका मतलब बेड खाली है, और बावजूद उसके बच्चे काफी बुखार से पीड़ित है, और बाहर उनके माँ बाप उनके पानी की पट्टी रखकर सिर पर उनका इलाज कर रहे हैं, और उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, और कुछ लोगों को जबरन छुट्टी दे दी जा रही है। तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग जो है फिरोजाबाद का लापरवाह बना हुआ है, और भले ही इसमें अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का बावजूद जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी लापरवाही से बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे जो की मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये तो स्वास्थ्य देखा जाए जी। चलिए कृष्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद में बच्चों की मौत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और ऐसे में हर बीतते दिन हालात जो हैं वो फिरोजाबाद में और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। प्रशासन अपनी कमियां छुपाने में लगा हुआ है, और इसीलिए अस्पताल के अंदर कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी फिरोजाबाद में हालात कैसे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बाहर लेकर ही बैठ कर मजबूर हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के आने का, बेड मिलने का, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद जो है वो टूटने को तैयार नहीं है। देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है, हर दिन 30 से 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि सितंबर में चौथी बार हुआ है जब 40,000 से कम कोरोना के केस आए हों। वहीं 24 घंटे में 260 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है, जबकि 37,681 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 2,968 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,31,74,000 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 4,42,009 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,23,42,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से कम हो चुकी है, और कुल 3,90,646 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में कल कोरोना वायरस के 26,200 नए केस सामने आए, और 125 लोगों की जान गई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 43,09,694 हो गए हैं, और अब तक 22,126 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई थी, जिसके बाद संक्रमण दर 16.69% पर दर्ज की गई है। ऐसे में नए मरीजों में 114 स्वास्थ्य कर्मी हैं, और ऐसे में बुधवार से अब तक 29,209 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं, जिससे अब तक ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 40,50,665 पर पहुंच गई है। सिद्धार्थनगर में किसान नौजवान पटेल यात्रों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बौसी तहसील क्षेत्र के एसके मैरिज हॉल में वो बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी खतरे में है, यहाँ का किसान नौजवान परेशान है, बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, और प्रदेश में बढ़ती विषमता और
अराजकता को रोकने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आने वाले 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार ही बनेगी। हमारा लक्ष्य 351 सीटों पर जीतना है। हमें पूरे प्रदेश में समर्थन मिल रहा है। ऐसे में नौजवानों को उत्साह देखकर वो कह सकते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनेगी। आजादी के महानायक भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी में किसानों को लामबंद कर बारदोली का खेड़ा का आंदोलन खड़ा करके, चंपारण में गांधी जी के आंदोलन का समर्थन करके, लुनारा में लगानवाद विरोधी आंदोलन का समर्थन करके, रायबरेली में 700 किसानों की जो अंग्रेजों ने हत्या की थी, शहीद किए थे, उनको लेकर इस देश की आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी और देश के किसानों इस देश को आज़ाद किया। नौजवानों ने आज़ाद कराया और आज़ादी खतरे में है। आज़ादी खतरे की वजह से आज हम सारे लोग, नौजवान किसान, हम परेशान हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विराट मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंत्री का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित रहे और इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोग जन आंदोलन का हिस्सा बने और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोग की भूमिका भी निभाएं। सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक ने नगर की मीट की दुकानों का पुलिस के साथ निरीक्षण किया। खाद्य निरीक्षण रामजी सिंह ने पठानपुरा मोहल्ले में स्थित मांस बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया। बता दें, पठानपुर में 11 दुकानों के निरीक्षण में एक दुकान में बिना लाइसेंस की पाई गई और निरीक्षण रामजी सिंह ने बताया कि हमने दुकानों की साफ सफाई का निरीक्षण किया था और मास्क विक्रय करने वालों को कहा कि आप लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है वो जल्द ही अपना लाइसेंस बनवा ले, वरना कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। हरदोई के कचौना इलाके में रहने वाली महिला रचना सोनी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है और बताया है कि उसके पति चंद्रशेखर सोनी नौकरी के लिए ओमान गए हुए थे। अब वो बीमार हैं और ऐसे में उनके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, सब कुछ कंपनी मालिक ने अपने पास रख लिया है, इसीलिए वो वापस स्वदेश नहीं आ पा रहे हैं। रचना ने अपने पति के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए उनको घर वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती है और पीड़ित महिला रचना सोनी ने बताया कि 6 महीने पहले फरवरी महीने में उसका पति चंद्रशेखर सोनी राजस्थान के एक युवक के साथ नौकरी के लिए ओमान गया हुआ था। लगभग 2 महीने के बाद फोन पर बातचीत के दौरान उसके पति ने अपने बीमार होने की जानकारी दी और बताया कि कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल सुविधाएं उसे नहीं दी जा रही है, इसीलिए इलाज के लिए 20,000 रुपए भेजने के लिए कहा। रचना सोनी ने बताया कि लगभग 1-1.5 महीने बाद एक दिन फिर उसके पति चंद्रशेखर का फोन आया और उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, घर वापस आना चाहता हूं, पर कंपनी का मालिक यूसुफ हरीफ साहले अब सैदी वीजा का 150 रियाल रुपए बकाया होने की वजह से पासपोर्ट नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उसे जबरन मजदूरी करने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर महिला ने अब भारत सरकार से अनुरोध कर अपने पति चंद्रशेखर की घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।